दबंग दिल्ली के लिए नवीन एक्सप्रेस मैच पर नहीं है। बिल्कुल विनय और आशीष को शामिल किया है और दोनों बेहतर विकल्प हैं हरियाणा स्टीलर्स के लिए। लेकिन यहां देखिए, सबसे बड़े जाबाज, चाहे डिफेंस का सवाल हो, रेडिंग का सवाल हो या और कोई बात हो, कप्तानी भी संदीप परवाल हरफन मौला है, ऑलराउंडर हैं और इनका काम है सिर्फ डिफेंस को हिलाना इधर से उधर, उधर से इधर। बिल्कुल, ना ही सिर्फ जाबाज पर अति मनोरंजक भी हैं। कमाल इनकी ये है, देखिए इनका ना ज्यादा नॉर्मल फुटवर्क नहीं है। रवि को उन्होंने देखिए शिकार किया, चार दो, दो पॉइंट्स का फासला दबंग दिल्ली के पास। खेल की रफ्तार बहुत तेज रही लेकिन इस बार कमाल हुआ है। विनय दो पॉइंट्स लेके जाएंगे, टू पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। विजय की मांग हो रही थी जो हरियाणा, जो दबंग दिल्ली के जर्सी नंबर वन है। 16-8, दो गुने का फासला हो गया है। टेबल टॉपर दबंग दिल्ली इस समय भारी दबाव में है, किस तरह से इस प्रेशर से उबर पाएंगे। ये लीजिए, विजय की संभावनाएं भी खारिज हो गई। दबंग दिल्ली रेडर आउट, वन पॉइंट प्रेशर हरियाणा स्टीलर्स। हालांकि बोनस पॉइंट दबंग दिल्ली को दिया गया है। पहला हाफ हरियाणा के नाम, हरियाणा स्टीलर्स 19 दबंग दिल्ली 11, 8 पॉइंट की लीड। विकास कंडोला और सुरेंद्र नाना के अलावा बड़ा नाम नहीं है और ये पहला टैकल पॉइंट, वन पॉइंट दबंग दिल्ली ने काम किया। दबंग दिल्ली ने क्या ये सुपर रेट ठोकी है, क्या ये मुकाबला बराबरी पर आकर के अब खड़ा होने वाला है। टू पॉइंट्स दबंग दिल्ली। बोनस था नहीं था, रिव्यू होता तो पता चलता। और दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली को 3 पॉइंट से पराजित कर दिया।